आज यानी कि गुरुवार को भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि आज नौसेना को परमाणु सबमरीन मिलने जा रही है। जी हां, परमाणु सबमरीन INS अरिघात समुद्र में उतरने जा रही है, जिसे लेकर के चीन से लेकर के पाकिस्तान तक में खलबली मचने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरिघात को दुश्मन का काल कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके समुद्र में उतरते ही भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगा। यह सबमरीन दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करेगी। यही कारण है कि चीन से लेकर के पाकिस्तान की बेचैनी अब बढ़ने वाली है। परमाणु बम से लैस यह पनडुब्बी 750 किलोमीटर तक दुश्मन को ख़त्म करने की ताकत रखती है। यह न सिर्फ दुश्मन से बच सकती है बल्कि उस पर नज़र भी बनाए रख सकती है। विशाखापट्टनम के सीक्रेट जहाज निर्माण केंद्र में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मौजूदगी में इसे समुद्र में उतारा जाएगा। परमाणु सबमरीन INS अरिघात की और क्या खासियत है, चलिए विस्तार से जानते हैं। INS अरिघात की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह परमाणु ऊर्जा से चलती है और यह महीनों तक पानी में रह सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अरिघात 83 मेगावाट दबाव वाले लाइट वाटर के रिएक्टरों से संचालित होती है। उनमें लगे छोटे परमाणु रिएक्टर की वजह से इसके महीनों तक पानी में डूबे रहने की क्षमता है। इस प्रकार की भारत की यह दूसरी पनडुब्बी है। साथ ही आपको बता दें कि यह पनडुब्बी दुश्मनों को पता लगे बिना ही हमला करने में माहिर है। 112 मीटर लंबी यह पनडुब्बी K-15 मिसाइलों से भी लैस है। इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर से भी अधिक है। यह जमीन, हवा और समुद्र से दुश्मनों का खात्मा कर सकती है। देखने में यह पहले से मौजूद INS अरिहंत जैसी ही है, जिसे INS अरिघात से पहले 2018 में लॉन्च किया गया था। अरिघात और अरिहंत बिल्कुल समान है, मगर INS अरिघात अपने पूर्ववर्ती अरिहंत से काफी एडवांस है। ये दोनों सबमरीन मिलकर देश के परमाणु त्रय या कहें कि जमीन, हवा, समुद्र से परमाणु बम दागने की क्षमता को मजबूत करेंगे। INS अरिघात का साइज भी INS अरिहंत के बराबर ही है, लेकिन यह उससे अधिक के 15 मिसाइलों को ले जा सकता है। साथ ही यह अरिहंत से हर मामले में अधिक सक्षम, कुशल और सीक्रेटली अटैक करने वाला है। आपको बता दें कि INS अरिघात की लंबाई 111.6 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर और ऊंचाई 9.5 मीटर है। इसका कुल वजन 6000 टन है। यह पानी के अंदर 980 से 1400 फीट की गहराई तक जा सकती है। इसमें 4K4 मिसाइलें भी हैं, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर है। इसके अलावा इस पनडुब्बी में 21 इंच की 6 टॉरपीडो लगी हैं। आपको बता दें कि भारत इस तरह की कुल 3 पनडुब्बियां बना रहा है। इनमें से 2 पूरी तरह से तैयार हैं, जिन पर कुल 90,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है।